हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुनू राइंस किचन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि डबल लेयर बिरयानी है और जो कि हम घर के ही सामानों से इजी तरीके से बनाएंगे, जैसा आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है बासमती राइस, जो कि लॉन्ग ग्रेन राइस है। इसको मैंने लिया है 500 ग्राम। इसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन को लिया है 500 ग्राम, और जब आप चिकन लोगे तो उसका पीस थोड़ा बड़ा रखने के लिए बोलना। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 टमाटर को चॉप कर लिया है, है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 150 ml कर्ड। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अमूल का घी, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने फूड कलर लिया है, जो कि ऑरेंज कलर का है, जो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना पत्ता और यहाँ पर धनिया पत्ता, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है केसर, जिसको मैंने दूध में डुबो के रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है बिरयानी मसाला, और यहाँ पर मैंने 1/2 किलो जो प्याज है उसको अच्छे से मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। अब देखते हैं खड़े मसालों को। यहाँ पर मैंने लिया दालचीनी, फिर कुछ हरी इलायची, फिर यहाँ पर लिया मैंने क्लोव्स, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है इलायची पाउडर और बेली, फिर काली मिर्च। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद कुछ बेसिक मसालों को मैंने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चावल को अच्छे से धो लूँगी। हमें 3 से 4 बार अच्छे से चावल को धोना है, है ना। उसके बाद इसको इसके पानी को फेंक देना है, और उसके बाद साफ़ पानी डालकर, देखिए इसके ऊपर तक डालकर इसको आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। इसके बाद एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में आप यहाँ पर डालिए तेल। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप तेल। इसके बाद मैं खड़े मसालों को ऐड करूँगी एक एक करके, है ना। सारे खड़े मसालों को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर चला लूँगी। चलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट, है ना। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर, है ना। धनिया पाउडर को डालने के बाद सारी चीज़ों को आपस में हम मिक्स कर चला लेंगे। थोड़ी देर इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, जो मैंने पहले फ्राई करके रखा था ना, उसका मैं 1/2 प्याज डाल रही हूँ और 1/2 मैं बचा के रखूँगी। इससे हमारा काम जल्दी बन जाएगा। इसके बाद प्याज को डालने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगी टमाटर को। टमाटर को डालकर फिर हम थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक ना जाए और ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। 2 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है। फिर इसको और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो चिकन को आप डाल दीजिए, उसके बाद सारे मसालों से चिकन को अच्छे से आप कोट कर लीजिए, है ना। ये मसाला अच्छी तरह से चिकन के साथ घुल जाना चाहिए। और इसके बाद हम इसे और थोड़ी देर के लिए भूनते रहेंगे, ताकि ये मसाला अच्छे से चिकन अंदर तक चले जाए। तो अब मैं डालूँगी यहाँ पर पुदीना पत्ता और फिर धनिया पत्ता, और डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और थोड़ी देर के लिए हम इसे इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे, है ना। अच्छे से ये भुन जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर भुन लेने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगी कर्ड, यानी कि दही। फेटा हुआ दही आपको लेना है, और आप जब दही डालते हो तो आपका गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, नहीं तो आपका दही जो है फट सकता है। तो आप दही ज़्यादा खट्टा भी मत लीजिएगा। तो चलिए इसे ढककर और थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं।
तब तक मैं दूसरे बर्तन पर चावल उबालने के लिए पानी को रख देती हूँ। इसमें कुछ खड़े मसाले मैं डाल रही हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इलायची पाउडर को डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू इसमें आता है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर एक चम्मच घी। इससे हमारा चावल खिला खिला बनता है। फिर मैंने नमक भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारे चिकन को। बहुत बढ़िया तरीके से ये पक रहा है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, इससे स्वाद बढ़िया आता है। इसके बाद फिर से मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे और अच्छे से पकने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, और ज़्यादा नहीं ऐड करना, हाफ कप जैसे पानी ऐड करके आपको इसे पका लेना है। फिर हमारा यहाँ पर पानी उबल चुका है तो मैं चावल को डाल देती हूँ। तो सारे चावल को आप डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे हिलाते हुए इसको पकने के लिए आप छोड़ दीजिए। तो हम देखते हैं हमारे चिकन को अभी ये अच्छे से पका है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है, तो अब मैं इसे निकाल कर रख देती हूँ। अब मैं चावल को चेक करती हूँ। हमारा जो चावल है 80% पक जाना चाहिए, है ना। 80% आप इसे पका लेंगे, फिर इसको हम ड्रेन कर देते हैं। और जितने भी खड़े मसाले उसको आप निकाल दीजिएगा। और उसके बाद हमारे जो चिकन जो मैंने अलग से रख दिया था, इसको मैं दो भागों में बांट दूंगी, है ना। और थोड़ा सा आपको ग्रेवी रखना है इसमें, इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने ग्रेवी रखा है ये रखना है, क्योंकि जब हम चावल इसमें डालेंगे तो इसी ग्रेवी से चावल जो हमारे अच्छे से पक जाएंगे जब हम इसे दम पे डालेंगे। तो चावल का मैंने एक लेयर यहाँ पर बिछा दिया है, तो इसी तरह से आपको चावल को चारों तरफ से फैलाते हुए इसे बिछा देना है। इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी पुदीने की पत्ते, उसके बाद धनिया का जो पत्ता है वो भी ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दूँगी, और जो मैंने प्याज बचा के रखे थे उसको भी मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से आप प्याज को डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 चम्मच घी डाल रही हूँ, है ना। इससे जो है हमारा चावल ड्राई नहीं होगा। फिर हम सेकेंड लेयर को बिछाते हैं। फिर से जो बचे हुए चिकन थे उसको मैं बिछा रही हूँ और सारी ग्रेवी को चारों ओर से मैं फैला देती हूँ। देखिए इस तरह से, है ना, ये अच्छे से हो चुका है। अब मैं फिर से दूसरे लेयर को, मैं चावल के लेयर को मैं ऊपर से बिछा देती हूँ। तो इस तरह से आप बिछा दीजिएगा, पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। फिर दोबारा से वही प्रोसेस को हम करेंगे। देखिए ये हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घी। फिर से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 चम्मच घी। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने केसर भिगो के रखा था ना दूध में, इसको डाल रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, और दूसरा इसका जो फ्रेग्रेंस होता है ना, महक बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद इसको डालने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगी फूड कलर। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है फूड कलर, ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो हल्का सा मैं 4 से 5 चम्मच फूड कलर को चारों ओर से फैला देती हूँ। जिस तरह से मैंने फैलाया है आप लोग भी इस तरह से आप फैला सकते हो। तो देखिए ये अब रेडी हो चुका है दम के लिए। अब मैं इसे दम के लिए डालूँगी। तो इसके लिए मैं जो है बर्तन को सील करूँगी, है ना। इसको कवर करके जो आटा है उसको मैंने गूंद के रख दिया था, तो इससे चारों ओर से मैं अब इसे सील कर दूंगी। सील करने के बाद गैस में मैं तवे के ऊपर इसे चढ़ा दूंगी और 20 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रखूंगी। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर आपको 20 मिनट के लिए दम पे रखना है। देखिए ये 20 मिनट हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं ये हुआ है या नहीं। वाओ, कितना अच्छा ये बन चुका है, बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है। देखिए चलिए मैं चेक करती हूँ किस तरह से बना है। देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो हल्का सा मैं इसे चला लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे सर्व करती हूँ। तो देखिए मैंने इसे बर्तन में सर्व कर दिया है। बहुत ही बढ़िया ये दिख रहा है और बढ़िया बना तो है ही, और स्वादिष्ट बना है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा प्याज से स्प्रिंकल कर दिया है। तो
फिर मैंने अपने बेटे को इसे टेस्ट करने के लिए दिया था और वो खा ही जा रहा था और उसे बहुत ही पसंद आ रहा था और कह रहा था मम्मी बहुत टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी इसी तरह से पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।